ख्वाहिश चावड़ा है, मैं 14 इयर्स की हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। सो मैं आज आपको एक साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ। सो मेरा साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एकेमिडीज। सो द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज हाउ द शिप फ्लोट्स ऑन द वॉटर। सो उसके लिए हम लोग को चाहिए एक ऐसा बड़ा ट्रांसपेरेंट बाउल या फिर ऐसा कोई। उसमें मैंने ये लीटर वैसे लिख के रखा है। आप उसमें पानी डालो तो आपको पता चल सकता है। देन मैंने पानी की बॉटल रखी जिसमें मैं डाल सकती हूँ। देन आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो शिप की तरह हो, मतलब कोई बाउल या फिर कोई छोटा सा स्टील का बाउल जो आप ऐसे रखो तो फ्लोट हो अच्छी तरह से। मैं अभी आपको वही दिखाने वाली हूँ कि वो शिप कैसे फ्लोट होती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने अभी इसमें पानी भर लिया है, मैंने इधर 3 लीटर पानी भरा है। अभी मैं आपको ऐसे कोई मतलब शिप जैसा लेना है, जैसे कि मैंने ये लिया है, आप स्टील का या फिर कांच का भी ले सकते हो। मैंने ये प्लास्टिक ऐसे बाउल बॉक्स जैसा लिया है। मैं अभी आपको ऐसे बताऊँगी कि शिप पानी में कैसे फ्लोट होता है। वो इतना भारी होता है तो वो कैसे पानी में फ्लोट होता है। हम लोग जो छोटे से ग्लास में पानी रहता है तो उसमें जो सुई होती है वो हम लोग डालते हैं तो वो भी डूब जाती है। इसमें क्या होता है कि जो शिप होता है ना, तो जैसे कि ये शिप है तो हम लोग इसमें ऐसे डालेंगे ये फ्लोट हुआ तो हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि इसका वेट कितना होगा। जितना इसका वेट होगा तो वो उतनी पानी में जगह करेगा ये। इसने देखिए पानी में थोड़ी सी जगह की तो ये फ्लोट हो रहा है उस तरह से। ये अभी 3 लीटर ही है। अभी हम लोग ऐसे सोचे कि ये सिर्फ शिप है और उसका जो मटेरियल है, वो मैंने ये दाल ली है तो वो सब उसका मटेरियल है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे तो उसका वेट आप बाद में देखना कितना होगा। ये मैंने उसका मटेरियल शिप का जो कांच होता है, वुडन होता है, जो स्टेयर्स बनती है, वो उसका मटेरियल लिया है। अभी देखो आप उसका थोड़ा सा पानी ऊपर आया होगा, थोड़ा सा। 3.2 जितना आया है पानी। मतलब इसीलिए फ्लोट होती है वाटर, इसीलिए शिप फ्लोट होती है क्योंकि जो उसका वेट होता है वो पानी में जगह करता है। वो इजीली फ्लोट हो सके। और आप हम लोग ऐसे बोलते हैं, स्टोरी थी जो मतलब कौआ वो पॉट में स्टोन डालता तो पानी ऊपर आता है, वैसे ही। लेकिन ये जो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है शिप, तो वो उसमें पानी में जगह करता है और वो पानी ऊपर आता है। इसी तरह से शिप पानी पे फ्लोट हो सकती है। और हम लोग का जो मटेरियल, अगर हम लोग मटेरियल नहीं लेंगे तो थोड़ा सा हैवी नहीं होगा वो, बिकॉज उसमें मटेरियल का सबसे ज़्यादा भार होता है। वो हम लोग ने अभी इसमें ये लिया तो इसका हम लोग मैक्सिमम देखते कि वेट कितना होगा। जितना इसका वेट होगा उतनी वो जगह करेगा पानी में और उतना सा पानी वो ऊपर आएगा। हम लोग जो जहाँ पे शिप होती है वहाँ पे हम लोग ऐसा हम लोग को पता नहीं चलता कि वो शिप मतलब पानी ऊपर आया है। इसीलिए शिप उसमें इजीली फ्लोट हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ये वीडियो को, और एक्सपेरिमेंट भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक बार घर पे ट्राई करना। थैंक यू।